हेलो चिल्ड्रन, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू टुडे? आर यू फाइन? वेरी गुड, आई एम ऑल्सो फाइन। स्टैंडर्ड सेकेंड सब्जेक्ट इंग्लिश। आर यू रेडी फॉर स्टडी? वेरी गुड। तो चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको पता है, हमने यूनिट 8 का एक पोएम देखा था, आई एम द म्यूजिक मैन। उसके बाद हमने क्वेश्चन आंसर देखे थे। तो हम क्या देखेंगे? पेज नंबर 128 निकालेंगे सभी लोग। एक स्टोरी है, ठीक है, द मुंबई म्यूजिशियंस। क्या नाम है स्टोरी का? नाम द मुंबई म्यूजिशियंस। आपको ध्यान से सुनना है, आपको मजा आएगी, ठीक है। वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड अ डंकी नेम्ड कुकू। एक बार की बात है, एक डंकी रहता था, उसका नाम क्या था? गुप्पू। ही हैड वर्क फॉर मेनी ईयर्स इन द हाउस ऑफ अ फार्मर। वो बहुत सालों से काम करता था। कहाँ पे? एक घर था फार्मर का, खेड़ फार्मर यानी खेती करने वाला, तो उसको फार्मर कहते हैं हम, ठीक है। वो फार्मर के घर काम करता था बहुत सालों से। ही हैड कैरिड मैनी हैवी सेक्स ऑफ कॉर्न एंड शुगर कैन फ्रॉम द फार्म टू द फैक्ट्री। वो बहुत हैवी वर्क करता था। क्या करता था? कॉर्न यानी मक्काई, सेक्स यानी बोरी, एंड शुगर कैन यानी गन्ना। क्या करता था? किसकी? मक्के से भरी हुई बोरी और शुगर कैन को उठाता था, और बहुत भारी। वो भी कहाँ तक लेके जाता था? खेत से लेकर फैक्ट्री तक, ठीक है। ही वॉज नाउ वेरी टायर्ड एंड ओल्ड। बहुत थक गया था और बूढ़ा हो गया था। द फार्मर सेड टू गुप्पू। फार्मर ने क्या कहा गुप्पू को? यू आर अ गुड डंकी। आप बहुत अच्छे डंकी हो, गधे हो, डंकी यानी गधा। टेक दिस सेक ऑफ कॉर्न एंड गो एंड सी द वर्ल्ड बिफोर यू बिकम टू ओल्ड। तो फार्मर ने क्या कहा कि आप बहुत अच्छे गधे हो, आप एक क्या मक्के से भरे हुए बोरी को उठाओ और जाओ पूरी दुनिया घूम लो जब तक तुम बूढ़े नहीं हो जाते हो। गुप्पू स्माइल्ड एंड सेड गुड बाय। गुप्पू ने क्या किया? स्माइल किया और कहा बाय, गुड बाय। ही सेट ऑफ टुवर्ड्स द सिटी ऑफ मुंबई। वो कहाँ गया? अब कहाँ पर जाने के लिए तैयार हो गया? मुंबई सिटी। आप देख रहे हैं यहाँ पे गुप्पू है जो डंकी है, उसके ऊपर पिट भी गया है कौन से भरी हुई बोरी है। मुंबई की ओर एरो का निशान दिया ना, मुंबई की जा रहा है, ठीक है। आई एम गुड एट म्यूजिक। वो क्या बोलते हैं? मैं बहुत अच्छा हूँ म्यूजिक में। आई विल गो टू मुंबई एंड बी ए म्यूजिशियन देयर। वहाँ मुंबई जाऊँगा और वहाँ पर म्यूजिशियन बन जाऊँगा। म्यूजिशियन यानी जो इंस्ट्रूमेंट को बजाते हैं। आपको पता है ना, जैसे हम कोई भी सिंगर होते हैं वो गाना गाते हैं, ठीक है, तो उसके पीछे जो ट्यून बजती है उसे हम क्या कहते हैं? म्यूजिशियन जो बजाते हैं ना, वही लोग होते हैं। ऑन द वे ही मेट अ डॉग। उसको रास्ते में कौन मिला? डॉग मिला। तो डुप्पू ने क्या पूछा? उसका नाम था डुप्पू। वेयर आर यू गोइंग? आस्क्ड डुप्पू। डुप्पू ने पूछा आप कहाँ जा रहे हो? आई एम गोइंग टू मुंबई टू बी अ म्यूजिशियन। वुड यू लाइक टू कम टू? आस्क्ड गुप्पू। गुप्पू ने अब क्या पूछा? गधे ने बोला कि मैं मुंबई जा रहा हूँ म्यूजिशियन बनने के लिए, क्या तुम भी मेरे साथ चलना पसंद करोगे? तो यस आई वुड, रिप्लाई डुप्पू। डुप्पू ने आंसर दिया हाँ यस चलूँगा मैं। ऑफ वेंट द टू फ्रेंड्स ऑन द डस्टी रोड टू मुंबई। वो क्या दोनों फ्रेंड मिलके डस्टी रोड यानी बहुत धूल वाला रास्ता, रेती वाला रास्ता में से वो दोनों जा रहे थे। दे सो अ बॉल ऑफ फर इन द मिडल ऑफ द रोड। उनको सबसे उन दोनों ने क्या देखा कि मिडल रोड पे एक फर का बॉल पड़ा हुआ है। हु आर यू? दे आस। पूछा आप कौन हो? आई एम फरी, द केट सेड द केट। बिल्ली ने क्या कहा? मैं फरी हूँ, बिल्ली। वुड यू लाइक टू कम विथ अस टू बिकम अ म्यूजिशियन? क्या तुम हमारे साथ चलना पसंद करोगी म्यूजिशियन बनने के लिए? गुप्पू एंड डुप्पू ने पूछा, दोनों साथ में पूछा कि तुम हमारे साथ चलना पसंद करोगी। देखो बिल्ली मिली ना वो रास्ते में, दिख रहा है ना केट। अब पेज नंबर 130 निकालेंगे सभी। ओ आई वुड लव टू कम अलोंग, रिप्लाइड फरी। फरी ने कहा ओ मुझे तुम्हारे साथ चलना अच्छा लगेगा। सो ऑफ वेंट द थ्री टुगेदर टू बिकम मुंबई म्यूजिशियन। अब तीनों लोग जा रहे थे रास्ते में म्यूजिशियन बनने के लिए मुंबई। सोन दे मेट कुकू द कुक। उनको थोड़ी देर बाद रास्ते में कौन मिला? कुकू। ये दिख रहा है कुकू आपको, देखो कैसे जा रहे हैं। तो कुकू उनको थोड़ी देर में मिला यानी मुर्गा। आई लव म्यूजिक एंड विश टू ज्वाइन योर बैंड। अब उसने कुकू ने क्या कहा कि क्या मैं भी तुम्हारे साथ ज्वाइन हो सकता? तो हम बैंड के साथ, बैंड यानी जो म्यूजिशियन होते हैं सारे उनको मिला के क्या कहते हैं? उनको बैंड कहते हैं, ठीक है। दे ऑल रीच्ड अ हाउस विथ लाइट। वो कहाँ पहुँच गए? घर था जहाँ पे लाइट जल रही थी। दे वेर टायर्ड एंड हंग्री। बहुत थक गए थे, भूखे भी हो गए। द पिप्ड इन थ्रू द विंडो एंड सो अ टेबल विथ डिलीशियस फूड। उन्होंने क्या कहा? अंदर झांका, पिप्ड यानी झांकना, अंदर
खिड़की में देखा उनने टेबल पड़ा हुआ डिलीशियस फूड यानी बहुत अच्छा टेस्टी खाना पड़ा। दे डिसाइड टू सिंग टू लेट द पीपल इनसाइड नो दैट दे वेयर म्यूजिशियंस। उन्हें क्या कहा, हम उन्हें डिसाइड किया कि हम सब गाना गाएंगे अंदर जाके तो वो सब जान जाएंगे म्यूजिशियंस लोग आए हैं। ठीक है, अब पेज नंबर 131 निकालेंगे। देख रहे हैं आप लोग यहाँ पे विंडो है, वहाँ सब इंसान है, वो डिलीशियस फूड रखा है। ठीक है, ये सब देखो दे सेंग, वो लोग गाना शुरू कर दिए। देखो आप देख रहे हैं ना, द पीपल इनसाइड थॉट दैट घोस्ट एंड हेड कम टू स्केयर देम। वो डर गए, अंदर जो पीपल थे वो लोग क्या डर गए। और जब उन्होंने गाना शुरू किया ना तो पीपल लोग जो थे वहाँ पे डर गए, लगता कोई भूत आ गया। दे रेन अवे फास्ट एज फास्ट दे कुड, वो लोग इतना जोर से भाग जितना जैसे वो भाग सकते थे। गुप्पू डुप्पू एंड फरी वेंट इनटू द हाउस एंड एट द फूड, वो लोग अंदर गए हाउस के अंदर और फूड खाए। एट यानी सेकेंड फॉर्म होता है। टिल दे कुड ईट नो मोर, वो लोग इतना खाया जितना कि पेट भरे। ठीक है, हमारी स्टोरी आपको समझ में आ गई ना इसमें, वेरी गुड। अब हम कुछ न्यू वर्ड्स देख लेते हैं। टायर्ड यानी थकना, म्यूजिशियन यानी जो म्यूजिक बजता है, सिंग इंस्ट्रूमेंट से बजाते हैं उसे म्यूजिशियन कहते हैं। ठीक है, जो लोग बजाते हैं। पिप्ड यानी झांकना, डिलीशियस यानी टेस्टी, घोस्ट यानी भूत, स्केयर यानी डरना। ठीक है, आज हम इतना ही रखते हैं, अब हम नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। ओके, बाय एंड टेक केयर।